कार्यशाला कर परिसर और बच्चों का रुख कराया स्कूल की ओर। उत्तराखंड पौड़ी ऑपरेशन मुक्ति टीम ने श्रीमान पुलिस महानिदेशक श्री अश्विन कुमार उत्तराखंड की पहल पर और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती श्वेता चौबे जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारा समय समय पर ऑपरेशन मुक्ति से कैसे स्कूली बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके और साथ ही स्थानीय जनता के भले लोगों का भी सहयोग लेकर उनके अनुभव से ऑपरेशन मुक्ति का बेहतर प्रदर्शन किया जाए। टीम पौड़ी को दिशा निर्देश दिया जाता रहा है कि कुशल नेतृत्व में और श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय कोटद्वार श्री शेखर चंद सुरियाल और श्रीमान क्षेत्राधिकारी कोटद्वार श्री गणेश लाल श्री राजेंद्र सिंह खोलिया के प्रभार में 2 माह लिए प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति, जिसकी थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दो, के तहत उत्तराखंड जनपद पौड़ी ऑपरेशन मुक्ति टीम के द्वारा कोटद्वार के कोडिया में बच्चों और उनके अभिभावकों और स्थानीय जनता के भले व्यक्तियों के साथ कार्यशाला की गई। पुलिस टीम में महिला उप निरीक्षक सुमन लता, अपर उप निरीक्षक कृपाल सिंह, कांस्टेबल आशीष बिस्ट, कांस्टेबल मुकेश डोबरियाल, महिला कांस्टेबल विद्या महताश शामिल रहे। स्कूल में सीखे हैं तो मैं आप लोगों से कोशिश करूंगा कि आपके साथ छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा बन के ही मैं आप लोगों के बीच में आऊं और आपके साथ देखिए मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा ये बच्चियाँ आपको अच्छे से समझा पाएंगी। भाई मैं तो थोड़ा बहुत समझा पाऊंगा, मगर जो भी मुझसे बन पड़ेगा जितना भी मैंने बच्चों से सीखा है वो आपसे बच्चा बन के आपसे शेयर करूँगा और मैं प्रयास करूंगा कि मुझे एक जिम्मेदारी सौंप के जा रहा है और मेरे पास तो टाइम टाइम है और मुझे अच्छा लगेगा आप लोग बीच में आगे जितना ही मुझे टाइम दोगे आप लोग मैं आप लोगों की हर तरह से जो है ज्ञान वर्धन करने का मौका प्रयास करूंगा। जो हमारे पुलिस उपाधीक्षक हो गए श्री अरुण कुमार साहब, उन्होंने आप आश्वासन दिया था कि भाई मैं जो है जो भी मेरे से बनेगा मैं आपके बच्चों के साथ खड़ा हुआ है नहीं। अब जैसे अमीषा है ये तो करेंगी करेंगी, बच्चा है ये भी करेंगी, तो बच्चों के लिए जो फिजिकली जो एक्टिविटीज है जो भी वो करेंगी तो हमारे ये आयुष जी हैं ये करेंगे, इनके लिए आप ताली बजाइए। और इन्होंने इन बच्चों ने जैसे हमने सर्वे कराया इनसे तो आप यकीन करना इन बच्चों ने 75 बच्चे कितने डोर टू डोर जाकर घर घर जाकर 75 बच्चों को इन्होंने एक लिस्ट बनाई कितनों की, तो इनके लिए ताली मैं बजाता हूँ। यहाँ पर जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए नहीं तो हम उनका प्रयास करेंगे कि वो स्कूल के द्वार जरूर जाए और आप में से कोई माता जी मेरे को बोलना चाहते हैं कोई किसी कोई बात हो तो आप बताइएगा क्योंकि ये प्रोग्राम माताओं का और बच्चों का ही है, बताइएगा। अच्छा अच्छा मैं पूछूंगा बच्चों ये हमारा कौन सा अभियान चल रहा है, कोई हाथ उठाओ बताना मत है, खड़े बताओ कौन सा अभियान चल रहा है। अपडेट मीडिया के लिए उत्तराखंड से रणवीर कुमार की रिपोर्ट।